अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे फ्रूटी कस्टर्ड पुडिंग। ये बहुत ही अच्छा डेजर्ट है और इसमें फ्रूट और कस्टर्ड होने की वजह से ये सभी को बहुत पसंद आता है। इसे आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध, स्ट्रॉबेरी जेली मिक्स, इसका मैं आधा पैकेट इस्तेमाल करूँगी। फ्रूट्स में मैंने लिए हैं अनार, सेब और अंगूर। आप इसमें अपने पसंद के फल भी डाल सकते हैं। 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, मैंने यहाँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड इस्तेमाल किया है। थोड़े से काजू बादाम टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में कटे हुए, और 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मीठी हैं। और 1 ब्रिटानिया केक का पैकेट। अब सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे दूध। मैंने यहाँ घर का बालाई वाला दूध इस्तेमाल किया है और इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध रोक लिया है कस्टर्ड को घोलने के लिए। अब हमने ये जो दूध थोड़ा सा बचाया था इसमें कस्टर्ड पाउडर डालकर घोल लेंगे। ये घुल गया है, दूध में भी उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी घुलने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। चीनी घुल गई है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का घोल डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ही इसमें खटकी आने लगेगी हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक पैन में डालेंगे काजू और बादाम और इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हल्की गैस पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब हम सारे फ्रूट्स को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ थोड़े से अनार रोक लिए हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। अब इन सारे फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ जेली को पहले से ही सेट कर लिया है। जेली बनाने का तरीका आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो ब्रिटानिया केक लिया है इसके एक एक पीसेस हम जेली के ऊपर रख देंगे। अब इस पर डालेंगे ड्राई रोस्ट किए हुए काजू बादाम। थोड़े से रोकेंगे हम ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। अब इस पर लगाएंगे कस्टर्ड की लेयर। अब इस पर लगाएंगे फ्रूट्स की लेयर। अब इस पर फिर से लगाएंगे कस्टर्ड की लेयर। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे बचे हुए अनारों से और बचे हुए काजू बादाम से। आपकी फ्रूटी कस्टर्ड पुडिंग तैयार है। इसे बनाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर और ठंडा करें। इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा डिजर्ट है। आप सबको ज़रूर पसंद आएगा और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।